नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार झा और मैं आज बारिश के इस मौसम में आपको एक छोटी सी कविता सुना रहा हूं। कविता का शीर्षक है बादल। बादल धरती पर रात में आए और सुबह देर तक बरसते रहे, बाद बारिश खत्म हो गई है, धरती हंस रही है। धरती हंस रही है, चारों तरफ खुशियां फैली हुई हैं। बादल कितने दिनों के बाद आए और अपने साथ ठंडी हवा को लेकर आए। सूखी धरती भीग गई है और खेतों में खुशियां फैल गई हैं। पेड़ बारिश के पानी से भीगे हुए हैं, पत्ते हरे भरे दिख रहे हैं। आकाश में धूप अभी नहीं आई है। बादल कितने दिनों के बाद आए, ग्रीष्म के ताप से बेचैन बनी धरती पर खुशियों को लेकर आए। बादल कितने दिनों के बाद आए, ओ बादल हर घर आंगन में, गलियों चौबारों में, आंगन ओसारों में, खेत खलिहानों में तुम्हारा स्वागत है। नमस्कार, मेरी दूसरी कविता जो है ये बादल के बारे में ही है और इस कविता का शीर्षक है आषाढ़ की हवा। बारिश के बाद आषाढ़ की हवा ने सारे पेड़ों को खुशियों से भर दिया है। हवा बह रही है, पेड़ की डालियों पर पत्तियों की सरसराहट बहुत साफ सुनाई दे रही है। बादल आकाश में छाए हुए हैं और अभी बारिश थम गई है बादल दोपहर में उड़ते हुए आएंगे और फिर सारे आकाश में दूर दूर तक छा जाएंगे। फिर उनकी गर्जना का स्वर सुनाई देगा, आकाश मेघों की गड़गड़ाहट से भर जाएगा। बारिश शुरू हो जाएगी और धरती पानी से भीग जाएगी। सबकी आत्मा में बादल के आने की आहट सुनाई दे रही है। बादल सागर से उड़ते हुए आ रहे हैं और सारे शहर में, खेत खलिहानों में, गांव देहात में वे घर घर जा रहे हैं, छत पर बरस रहे हैं, तालाब के किनारे आ गए हैं, नदी को पार करके बादल नदी को पार